धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम आपको बुद्धिमान बनने का फॉर्मूला बताएंगे। अगर आपको लगता है कि आप पहले से ही काफी बुद्धिमान हैं, तो भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप और भी ज्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं। ये फॉर्मूला एम्स के एक रिसर्च के जरिए सामने आया है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एम्स की एक डॉक्टर और IIT के एक वैज्ञानिक ने कई वर्षों तक रिसर्च करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि हर रोज कुछ समय तक लगातार गायत्री मंत्र पढ़कर बौद्धिक क्षमता का अनंत विस्तार किया जा सकता है, यानी अपने दिमाग की ताकत को बढ़ाया जा सकता है, ये संभव है। एम्स ने अपनी रिसर्च में MRI के जरिए दिमाग की सक्रियता की जांच करके इस बात की पुष्टि की है कि गायत्री मंत्र पढ़ने से दिमाग की शक्ति का विस्तार होता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त में मौजूद 10वां श्लोक है। ये हजारों वर्ष पुराना वैदिक मंत्र है जिसकी रचना त्रेता युग में ऋषि विश्वामित्र ने की थी। इस मंत्र में ईश्वर का ध्यान करते हुए ये प्रार्थना की गई है कि ईश्वर हमें प्रकाश दिखाए और सच्चाई की तरफ ले जाए। वेदों पर रिसर्च करने वाले भारत और दुनिया के बहुत सारे विद्वानों ने गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के सबसे प्रभावशाली मंत्रों में से एक माना है। हमारे देश में सदियों से लोगों के बीच ये मान्यता है कि विद्यार्थियों को गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए क्योंकि इससे दिमाग तेज होता है। गायत्री मंत्र पर एम्स की रिसर्च भी यही पुष्टि कर रही है। एम्स वर्ष 1998 से गायत्री मंत्र पर रिसर्च कर रहा है। सबसे पहले एम्स के डॉक्टर्स ने 25 से 30 वर्ष के पुरुषों पर यह प्रयोग किया था और 9 महीने तक यह रिसर्च की गई और इसके बाद 5 वर्षों तक इसके डेटा का अध्ययन किया गया। इसके तहत दिमाग के आगे के हिस्से में होने वाले बदलावों का अध्ययन किया गया। दिमाग के इस हिस्से को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। इस हिस्से का काम है योजनाएं बनाना, समस्याओं का समाधान करना और जागरूक रहना। इस रिसर्च के लिए लोगों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया था। पहले ग्रुप ने 3 महीनों तक हर रोज 108 बार गायत्री मंत्र का मन में पाठ किया और दूसरे ग्रुप ने गायत्री मंत्र का पाठ नहीं किया। जो लोग गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे थे उनके शरीर में खुशी के वक्त पैदा होने वाले केमिकल्स तेजी से बढ़ने लगे। इसी तरह का एक केमिकल है GABA। इस केमिकल के कम होने पर नींद नहीं आती और डिप्रेशन जैसी बीमारियां होती हैं, लेकिन गायत्री मंत्र का पाठ करने से दूसरे ही हफ्ते में शरीर में GABA केमिकल तेजी से बढ़ने लगा और दिमाग में सक्रियता बढ़ाने वाले केमिकल्स की मात्रा भी पहले के मुकाबले अधिक हो गई। 5 हफ्तों तक किए गए MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की मदद से ये नतीजा निकला कि जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का पाठ किया था उनका दिमाग बहुत शांत और जागृत हो चुका था। अपने इस शुरुआती रिसर्च में
निष्कर्ष निकालते हुए एम्स की तरफ से कहा गया कि गायत्री मंत्र के माध्यम से इंसान की बौद्धिक क्षमता में अनंत विस्तार किया जा सकता है। एम्स का ये शोध अब भी जारी है और इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित की जाएगी। इतिहासकारों ने हमेशा आर्यों की नस्ल को बहुत बुद्धिमान माना है, इसलिए इस पर भी रिसर्च होनी चाहिए कि क्या आर्यों ने इस तरह के शक्तिशाली मंत्रों का आविष्कार करके अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा लिया था। इस मंत्र का ऋषि विश्वामित्र से क्या रिश्ता है, किस तरह गायत्री मंत्र का हिंदू धर्म की परंपराओं में विशेष स्थान है और एम्स के रिसर्च पर एक्सपर्ट्स के क्या विचार हैं, ये समझने के लिए आज आपको हमारा ये वीडियो विश्लेषण बहुत ध्यान से देखना चाहिए। गायत्री मंत्र भारत के महान ऋषियों की तपस्या का फल है। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा बिना गायत्री मंत्र का पाठ किए संपन्न नहीं होती। हिंदू धर्म के शास्त्रों और पुराणों में गायत्री मंत्र को बल और तेज को बढ़ाने वाला बताया गया है। यही बात ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने अपनी रिसर्च में कही है। माना जाता है कि इस मंत्र का उच्चारण दिमाग को शांत करता है और ये शांति बेवजह नहीं है। एम्स के साइंटिस्ट्स ने ये साबित किया कि गायत्री मंत्र जादुई दवा की तरह काम करता है। रिसर्च के मुताबिक अगर नियम बनाकर गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाए तो ये दिमाग की चेतना को सीमाओं से परे ले जाकर जगा सकता है। अगर मैं कोई भी ऐसा एक्शन करता हूँ जिससे मेरे शरीर में सिंपथेटिक एक्टिविटी कम हो जाए और पैरासिंपथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाए, यानी कि मेरी दिल की धड़कन कम हो जाए, मेरा रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाए, मेरा स्किन रेजिस्टेंस बढ़ जाए, तो मैं हीलिंग मोड में चला जाता हूँ। मैं आई गेट कनेक्टेड टू माई कॉन्शियसनेस, उससे मेरे शरीर के अंदर में जो दवाई मांगूंगा मैं वो पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड पैरासिंपथेटिक स्टेट ऑफ माइंड। और अगर मैं बिल्कुल इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाऊँ कि मैं टाइम भूल जाऊँ कि मेरे पास मैं कहाँ पर हूँ, तो मैं चौथी स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस में चला जाता हूँ, जिसे शास्त्रों में तुरिया स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। एम्स के साइंटिस्ट और आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर ने मिलकर 9 महीने के वक्त में इस रिसर्च को तैयार किया था। मंत्रों के द्वारा बौद्धिक क्षमता का विस्तार मनोवैज्ञानिकों के लिए भी अध्ययन का विषय है। तो ब्रेन में एक हिस्सा है फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसमें खासतौर से ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसमें कि इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रेन, यानी कि मैंने जो प्लान किया, मैंने किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है, मैंने क्या फैसले लेने हैं, क्या डिसीजंस लेने हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे मेरे कैरियर को लेके हो, वो सब ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स डिसाइड करता है। तो अक्सर जब भी हम कोई भी ये लाइफस्टाइल चेंज जो हेल्दी वाली होती हैं, चाहे योगा की हो, मेडिटेशन की हो, चैंटिंग की हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, बहुत लोगों के लिए अलग तरह के मंत्र होते हैं, सब में एक देखा गया है कि ब्लड सप्लाई कुछ पर्टिकुलर एरियाज में बढ़ती है, जो उस वजह से ब्रेन में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी कि जैसे जैसे ब्लड सप्लाई हमारी बढ़ती है, न्यूरॉन्स थोड़े उनमें ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं और वो नए नए ब्रांचेस बनाते हैं। करीब 20 वर्षों से एम्स में गायत्री मंत्र पर शोध किया जा रहा है। इन्हीं रिसर्च पेपर्स में प्रकाशित एमआरआई स्टडी के एक ग्राफ में दर्ज ब्रेन एक्टिविटी में ये भी साफ देखा गया कि जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, दूसरे हफ्ते में ही उनके दिमाग की तरंगों में एक लय आ गई, जबकि दूसरा ग्राफ उस ग्रुप का है जिसने गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया, उनके दिमाग की तरंगे बिखरी हुई और बेतरतीब नजर आई। मतलब साफ है कि कंट्रोल ग्रुप वाले लोगों के दिमाग में सकारात्मक बदलाव देखे गए। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो गायत्री मंत्र से सेहत पर अच्छे प्रभावों का दावा करते हैं।
तो मैं धीरे धीरे पढ़ाई पे ध्यान आकर्षित हुआ, बाकी हर जगह से जितने गलत जगह पे थे उस सब जगह से अपना कंसंट्रेशन ठीक कर पाया मैं। ओम भूर्भुवस्वः। गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विश्वामित्र को हिंदुओं के धर्म ग्रंथ रामायण में एक ऋषि और एक वैज्ञानिक की तरह भी प्रस्तुत किया गया है। रामायण में विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण के गुरु हैं, जो उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों के बारे में भी ज्ञान देते हैं। गुरु और शिष्य के बीच सर्वदा प्रेम और विश्वास बना रहे। हमारे देश में खास तौर पर उपनयन संस्कार के वक्त मंत्रोच्चार में गायत्री मंत्र का विशेष स्थान माना जाता है। गायत्री मंत्र की जाप करने से आपका कंसंट्रेशन, ये सब चीज में डेवलपमेंट होने लगता है और जिस क्षेत्र में भी आप सफलता चाहते हैं आपका आउटपुट उसमें धीरे 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 बढ़ने लगता है। ये सब चीज मैंने रियलाइज किया है। गायत्री मंत्र अपनी उत्पत्ति के हजारों वर्षों के बाद भी अपनी शक्ति का एहसास पूरी दुनिया को करा रहा है। गायत्री मंत्र की ताकत सिर्फ भारतीय वैज्ञानिकों को ही समझ में आ रही हो ऐसा नहीं है। जर्मनी की हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक भी गायत्री मंत्र पर रिसर्च कर चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका के एक साइंटिस्ट डॉक्टर हॉवर्ड ने दुनिया भर से मंत्रों को इकट्ठा करके फिजियोलॉजी लाइब्रेरी में उनकी जांच की। गायत्री मंत्र से प्रति सेकंड 1,10,000 साउंड वेव्स जनरेट हुई। रिसर्च में सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र सबसे सशक्त मंत्र साबित हुआ। यानी एक तरह से देखा जाए तो हमारे देश की प्राचीन मान्यताओं पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मोहर लगाई है। पूजा मक्कड़, Z Media।